राधे, जय श्री कृष्णा। आज बात केतु की करेंगे। केतु इज द सोर्स ऑफ योर क्रिएशन। केतु अल्टीमेट एनर्जी है आपकी। केतु आपकी शक्ति है। केतु आपका विकिपीडिया है। केतु वो है जो आपने अर्जित किया है, जो आपने पाया है, जो सदा आपके साथ है। केतु आपकी शुरुआत है और राहु आपका एंड है। मतलब आपकी एनर्जी का क्रिएशन जिस वजह से हुआ है वो केतु है। और आप अपने पर्पस तक जब पहुंचेंगे तो आपका मिशन एंड होता है, तो वो राहु है। तो राहु केतु को जो ये सोचते हैं, छाया ग्रह हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो ये जाने कि आपके जो पूरा जीवन है, आपका जो पूरा साइकिल है, आपकी जो सोल साइकिल है, वो राहु केतु के अंदर ही स्टोर होती है। केतु हमेशा आपको देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन केतु को आपको केतु से जुड़ना पड़ेगा। और केतु से जुड़ने का मतलब ये है कि अपनी आत्मा से जुड़ना, अपने कॉन्शियसनेस से जुड़ना, अपनी शक्ति से जुड़ना। और आपका जो रियल ओरिजिन है उस तक पहुंचना। आपके अंदर जो भी है, आपका बिहेवियर पैटर्न, आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका परसोना है, जो आपका बिहेवियर है, वो सब केतु है। और ये जो क्वालिटीज होती हैं वो बाय बर्थ हमें स्टोर होती हैं। तो कोई भी चीज अगर बाय बर्थ हमारे अंदर है, इसका मतलब ये है कि हमने उसको ऑलरेडी अर्जित किया हुआ है, तभी तो वो बाय बर्थ हमारे अंदर रहेंगी। अगर हमने उसे अर्जित ही नहीं किया है तो वो हमारे अंदर बाय बर्थ कैसे आ सकती है। तो केतु आपकी वो दृष्टि है, आपका वो दृष्टिकोण है। केतु आपका मन है, केतु आपका इंट्यूशन है, केतु आपका सपना है, केतु एक फकीर है। मैं क्यों कहता हूं केतु को एक फकीर, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। फकीर इस दुनिया में रह के भी इस दुनिया का नहीं होता है। मतलब ये सत्य है, ये सत्य है। जो भी चीजें या जो भी इवेंट्स आपको आपके जीवन की सच्चाई से रूबरू कराते हैं वो केतु है। और आपको जहां पुश कर रहे हैं वो राहु है। मैंने अपने लास्ट वीडियो राहु में ये कहा था कि सैटर्न बैकिंग होती है राहु की। लेकिन सैटर्न तक पहुंचना है अगर आपको, मतलब आपको अपने कर्म तक पहुंचना है, तो केतु चाहिए आपको। अगर आप कोई बैटल फील्ड में हैं, तो आप उस बैटल को तभी जीत सकते हैं जब आप में वो कला हो, जब आपने आपके अंदर वो ज्ञान हो, आपके अंदर वो हुनर हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज हो। तो ये सब केतु है। और अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो राहु है, वो क्योंकि वो आपका पर्पज है। कैसे जीतना है वो केतु है, और क्या जीता है वो राहु है। केतु आपकी हिस्ट्री है जो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, और राहु आपकी वो हिस्ट्री है जो आप क्रिएट करने वाले हैं। तो मुझे एक चीज बताइए आप लोग, जो आपके पास है क्या उसको पा के आप शांत हो जाते हैं, या आपके अंदर ये जिज्ञासा रहती है, आपके अंदर ये इच्छा रहती है कि नहीं मैं कुछ और पालू, कुछ और पालू। तो ये क्या है, ये जो और पाना है, जो आपको प्रेरित कर रहा है, वो केतु की एनर्जी है, क्योंकि वो आपको पुश कर रहा है।
और जो पाना है वो राहु है। लेकिन जब तक हम अपनी एनर्जी से नहीं जुड़ते हैं, अपने ओरिजिन से नहीं जुड़ते हैं, हम अपनी ताकत से नहीं जुड़ते हैं, अपने पावर से नहीं जुड़ते हैं, तो हमको हम वो कैसे पा सकते हैं जो हमें पाना है? क्योंकि हमें तो ये भी पता नहीं हम जो पा रहे हैं क्या हमें वही पाना है या हमें कुछ और पाना है। मैंने कहा आपसे राहु आपका पर्पज है, लेकिन आपका पर्पज क्या है वो आपको केतु ही बताएगा। केतु ही आपको बताएगा, वो ज्ञान देगा कि तुम्हारा पर्पज क्या है, और फिर उस ज्ञान से आप उस पर्पज को मीट करते हैं। तो पहले आपको जो भी जानना है वो आपके अंदर है, क्योंकि केतु की जो ऊर्जा है वो यहां तक रहती है और ये राहु है। तो केतु के पास क्या है जिसका वो उपयोग कर सकता है? उसके पास सिर्फ ये मन है, ये आत्मन है जिसका वो उपयोग कर सकता है, और ये आपका इंट्यूशन होता है। यहां फायदा नुकसान नहीं होता, फायदा नुकसान यहां होता है। यहां सिर्फ इच्छा रहती है, करुणा रहती है, प्रेम रहती है, सच रहता है। ये शक्ति है हम सब की, लेकिन आज हम इस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। हम इस शक्ति का उपयोग करते हैं और ये शक्ति है ही नहीं, क्योंकि जब तक ये शक्ति यहां तक नहीं आती है, ये शक्ति कुंडलिनी यहां तक नहीं आती है, तब तक आप अपनी पावर को मीट नहीं कर सकते हैं। मैंने जो पाठशाला सीरीज बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि केतु वो डिवाइन पावर है आपके अंदर, जो हर एक मनुष्य को ईश्वर ने दिया है। ये शरीर है आपका, लेकिन अगर इस शरीर में धड़कन नहीं है, सांस नहीं है, तो इस शरीर का क्या उपयोग है? क्या उपयोग है? तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये शरीर ही सत्य है, तो वो इल्यूजन है आपका। नहीं, उस शरीर के अंदर जो मन है और जो धड़क रहा है, जो सांस है, जो चल रही है, वो सत्य है और वो केतु है। केतु अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी है, जो कोई बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करता है, जो कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है, वो एक अलग चेतना में रहता है, लेकिन उसकी जो चेतना का स्तर है वो इस वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल एनर्जी है वो यहां पर नहीं है, वो ऊपर है। तो जब कोई अपनी केतु को जागृत करता है तो वो अपने डिवाइन पावर्स को जागृत करता है, वो टाइमलाइन के भीतर जा सकता है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है। स्पिरिचुअल पावर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और जब आप इस पावर से जुड़ते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि एक्चुअल में आप कितने पावरफुल हैं, और उस पावर के साथ ही आपको अपने पर्पस को मीट कराना है, दैट इज राहु। तो पर्पस को पाना मामूली बात तो है नहीं, तो उसके लिए स्ट्रेंथ तो चाहिए। तो स्ट्रेंथ क्या है? आपका ज्ञान। और जब वो ज्ञान सही दिशा में आप लेके जाते हैं तो आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं और आप एक अल्टीमेट ज्ञान में फिर पहुंचते हैं, जो कि राहु है। क्योंकि जब राहु केतु मिल जाते हैं, केतु ये है, राहु ये है, तो आप पूर्ण हो गए ना, आप पूर्ण ही हो गए। फिर बचा क्या है? फिर क्या जानना है, क्या सीखना है, क्या सोचना है और क्या समझना है? हमेशा अगर केतु को आपको अपने पावर में लेके आना है, वेरी सिंपल आपको बता रहा हूं, अपनी मन की पुकार को सुने, अपने इंट्यूशन से जुड़े, और जो यहां से गाइडलाइन आपको आ रही है उसको सिर्फ फॉलो करें। क्योंकि जो विचार अपने आप से उत्पन्न हो तो आप सोच नहीं रहे हैं, वो अपने आप से स्वतः उत्पन्न हुआ है, तो वो आपकी एनर्जी ने आप तक भेजा है।
लेकिन जब आप उसमें अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेंगे तो आप उससे कनेक्शन कट जाता है फिर उससे। तो आपको उसको फॉलो करना है, आपको फायदा नुकसान नहीं देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप यहां पर अपने पर्पस को मीट करने के लिए आए हैं। आपका उद्देश्य सिर्फ यही होना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए केतु को जागृत करना पड़ता है। और केतु ज्ञान से ही जागृत होता है, सत्य से ही जागृत होता है, धर्म से ही जागृत होता है। हमारे मन में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो भाव हम जागृत करते हैं उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो किस हद तक भी जा सकते हैं। जब हम अपने मन से ईश्वर को पा सकते हैं तो क्या हम अपने मन से अपनी एनर्जी से नहीं जुड़ सकते हैं? क्या हम अपने मन से, मन की पुकार से, केतु से नहीं जुड़ सकते हैं? आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, जो विचार आ रहे हैं, जो मंथन आ रहा है, जो चेतना आ रही है उसमें बहना है। ये मत सोचो मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता, नहीं, तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो। और जिस दिन ये हम जान जाएंगे कि हम कौन हैं, तो फिर हमारे ये सब ये खेल है, ये सब खेल लगेगा हमें, क्योंकि केतु अल्टीमेट चेतना है आपकी। और जिस दिन वो चेतना राहु से मिलती है तो जो अर्ध नारेश्वर शक्ति है उससे आप जुड़ जाते हैं। और अर्ध नारेश्वर शक्ति अल्टीमेट शक्ति होती है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस होता है, और वही अल्टीमेट ट्रूथ होता है।